ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। 24 सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर के कुलपतियों की बैठक हुई है, उससे क्या निकल कर आ रहा है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, छात्रों को प्रमोट करने को लेकर के कुलपति ने है वो बैठक की है। यहां पर आप देख सकते हैं, शासन के निर्देश पर बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने के संबंध में एमजीपी रुहेलखंड के विश्व कुलपति है वो प्रोफेसर केपी सिंह ने विश्वविद्यालय की 10 सदस्यीय कमेटी के साथ में है वो वर्चुअल बैठक की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, लखनऊ विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, या फिर दोस्तों भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से, ये जो अपडेट है दोस्तों वो सभी यूनिवर्सिटियों से है वो आ रही है। आपको पता ही होगा, शासन ने दोस्तों है वो 3 कुलपतियों की है वो एक कमेटी बनाई थी, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति और साथ ही साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर केपी सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालय की 10 सदस्यीय कमेटी के साथ में है वो वर्चुअल बैठक की। बैठक में मानक निर्धारण को लेकर के है वो चर्चा हुई कि किस प्रकार से है वो विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। उसके बाद शाम को शासन के माध्यम से कमेटी के में शामिल 3 कुलपतियों ने भी है वो वर्चुअल बैठक की। यानी दोस्तों, पहले तो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 10 सदस्यों के साथ बैठक की गई, उसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई गई है उन्होंने भी आपस में दोस्तों है वो वर्चुअल बैठक की है, जिसमें कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी मौजूद रहे। 3 कुलपतियों की कमेटी को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। ये कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसी के आधार पर प्रदेश के सभी छात्रों को है वो प्रमोट किया जाएगा। बता देगी, शासन ने गुरुवार को 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी। शासन के निर्देश पर कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने पिछले वर्ष बनी, आप देख सकते हैं, कमेटी के सभी 10 सदस्यों के साथ में है वो वर्चुअल बैठक की। बैठक में परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार जी, चीफ प्रोक्टर जेएन मौर्य जी, प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर पीबी सिंह जी, प्रोफेसर एस बेदी व अन्य सदस्य भी शामिल रहे। कुलपति ने सभी को शासन के निर्देश के बारे में बताया और मानकों को लेकर के बात की कि किस प्रकार से हमें वो विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं, पिछली बार किस तरह से छात्रों को प्रमोट किया गया था इस पर भी है वो चर्चा की गई। इसके अलावा इस वर्ष किस तरह से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा इस संबंध में भी दोस्तों चर्चा हुई है, इस संबंध में भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने भविष्य में इस तरह का सिस्टम बनाने को लेकर भी कहा है कि जिससे परीक्षाएं ना हो तो भी छात्रों का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जा सके, साथ ही साथ में ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार करने को लेकर के कहा गया है, ताकि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो उस समय है वो निपटा जा सके और विद्यार्थियों के साथ में दोस्तों उनके जो 1 वर्ष उनका इम्पोर्टेंट होता है उनसे किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। तो ये दोस्तों आप बड़ी अपडेट देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से निकल कर आ रही है कि कुलपतियों की बैठक हो चुकी है। अब दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर अंदर इनको है वो रिपोर्ट देनी है शासन को, उसके आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर के आगे कोई भी डिसीजन होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा पर मिलेगी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहाँ से भी कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें।